ये तो हाफ भी सिस्टम ही हाफ कबल के चल गए क्या कि घिस गए जल गए चलो। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक्चुअली क्या हो रहा है मेरी बाइक में, कल सेंडरी राइड में एक प्रॉब्लम हुई है। हमारा ना पूरा ना क्लच एकदम बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है और ऐसा लग रहा है मुझे मेरी क्लच प्लेट घिस गई है। और गाड़ी क्या हो गई थी, बहुत ओवर हीट हो गई थी, ये वाला लाइट जल गया था उसमें, ये पता नहीं कौन सा लाइट होता है ओवर हीट का। और यहाँ पर कूलेंट में दिखा रहा था गाइस एच टी मीन्स हाई टेम्परेचर, और गाड़ी बिल्कुल नहीं भाग रही हमारी, घों घों हो जा रही है बस। और पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको दिखाता हूँ मैं अभी, बने रहना वीडियो पे। आप स्टार्ट कर लेते हैं एक बार, टेम्परेचर हो रहा है। अगर ऐसी दिक्कत आएगी तो मुझे शोरूम पे जाना पड़ेगा, और पता नहीं चल पा रहा है कि ये क्लच के प्रॉब्लम से हो रहा है कि क्लच प्लेट ही घिस गई है। और गाड़ी आप देखिए, गाड़ी हमारी चली है 9,250 किलोमीटर और अभी हाल ही में सर्विस की है, एक दो दिन ही हो रहा है। तो गाइस चलते हैं शोरूम, वहीं जाके पता चलेगा क्या हुआ है। और गाइस उससे पहले हम अपने फ्रेंड के वहाँ जाएंगे, बिकॉज उसकी बाइक का भी थोड़ा एक्सीडेंट हो गया है और कल सैंडर राइड में, और थोड़ा सा स्क्रैच वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ गए उसके राइट साइड में। तो वहाँ जाएंगे, पहले उससे मिलते हैं, ठीक है, और देखते हैं। बाकी आपको दिखाता हूँ कि हमारी बाइक अभी तो गाइस अभी सही चल रही है, अभी सही लग रही है ना, लेकिन यार तीसरे और चौथे गियर में ना यार काफ़ी घूम घूम कर रही है, खाली रेव जा रही है और हाई रेव जा रही है बस। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए गाइस हम चौथे गियर में हैं और इसका अभी से रेव लिमिट इंडिकेटर चल जा रहा है, मतलब मैं जब दे रहा हूँ ना इसका फुल एक्सीलेटर दे रहा हूँ ना तो गाड़ी भाग नहीं रही है और लिमिटर चल जा रही है हमारी, जो इंडिकेटर लाइट होती है वो जल जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें दिक्कत आने लग गई है। ये देखिए गाइस थर्ड गियर में ऐसी आवाज़ कर रही है, तो यार दिक्कत लग रही है मुझे कि क्लच प्लेट का ही है। यार गाड़ी भाग नहीं रही है यार, देखो मैं कितना एक्सीलेटर दे रहा हूँ लेकिन गाड़ी नहीं भाग रही। और गाइस इसका ना जो क्विक शिफ्टर है वो भी काम नहीं कर रहा, मतलब क्लच में प्रॉब्लम के कारण से क्विक शिफ्टर भी काम नहीं कर रहा। जो आप शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, आप देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आप शिफ्ट करने की, लेकिन खाली कट कट कर रही है लेकिन गियर चेंज नहीं हो रहा है, बहुत ही मुश्किल से बाय चांस कभी कभी हो जा रहा है। तो अब तो शोरूम में जाके पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है। ये रहे लोंडे लोंडे, ये रहे आवाज़ दे रहे। अच्छा यहाँ मुनीस भाई की दुकान में। अरे सही नहीं हुए यार, गाड़ी जा नहीं रही, देख रहे गाड़ी भाग नहीं रही है, दिक्कत है। और पता नहीं यार इसका ना क्लच बहुत टाइट हो गया है, न्यू शूज, इसका क्लच बहुत टाइट हो गया है। तो गाइस देख रहे हो यहाँ पर भाई का एक्सीडेंट हो गया कल संडे राइड पे, और पूरी गाड़ी की हवा टाइट हो गई है, ठीक है हाँ। और ये भाई का भी MT-15 का राइडर है और भाई भी गिर गया, इसके बीच में एक गाय आ गई, इंसान आ गया, मतलब वो भैंस घुमा रहा था। और ये देख रहे हो रेट लग गई है, ओरिजिनल एग्जॉस्ट की भी, कस्टम एग्जॉस्ट की भी रेट लग गई है, ये तो ख़त्म हो गया पूरा। हाँ हाँ एक हफ्ते पहले एग्जॉस्ट लिया था भाई ने, एप्पल राइडर ने, और ये देखो पूरी घिस गई है, ख़त्म है मामला इसकी। और ये भाई का इंडिकेटर भी ख़त्म मामला, तो क्लेम लिएगा भाई। अभी पीछे वाला ब्रेक भी देखो अंदर चली गया, आप ये देख रहे हो, मतलब एक्सीडेंट बड़ा तगड़ा हुआ। और एक्सीडेंट कैसे हुआ आपको बताता हूँ, MT राइडर आगे चल रहा था और भाई जस्ट उसके बगल में था, और क्या हुआ इंसिडेंट आपको बताता हूँ, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया कैमरे में। और भाई का जो R15 V4 का राइडर है उसने इसमें टकराया और वो डिसबैलेंस होकर गिर गया, बंदा नहीं गिरा इस बंदे का, लेकिन दूसरा एक्सीडेंट हुआ अलग से, एक बंदा गाय लेके चला रहा था और वो बीच में आ गया, लेकिन इसका कुछ नुकसान नहीं हुआ ज़्यादा। ये देखो मट्टी वट्टी लगी पड़ी है हल्की बल्की। तो ये सब इंसिडेंट हुआ, और अपनी बाइक के साथ भी इंसिडेंट चल रहा है, पता नहीं क्लच बड़ा टाइट हो गया इसका, बहुत ज़्यादा टाइट। अरे इसका क्लच बड़ा टाइट हो रहा है, इसका अंदर सेटिंग कहाँ होती है क्लच करने की, इसके अंदर से सेटिंग कहाँ पर होती है? हाँ यार इसका ये, अरे फुल आ गया ये, यहाँ से फुल ले लिया मैंने, मेरा तो अंदर का भी गया यार, ये अंदर का भी गया। हाँ और देखो भाई बचा है, अभी बंदा कैसे बचा है, हेलमेट देख रहे हो आप, मतलब सेफ्टी मतलब हेलमेट मतलब इतना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, कि अगर आप लोग राइड करें तो भाई हेलमेट पहन के राइड करें, बिकॉज कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है किसी के साथ भी, और जान बचाने के लिए हेलमेट ही बहुत बड़ी चीज़ होती है।
अरे हाथ पैर टूट जाए वो सही हो जाएगा, लेकिन अगर मुंडी फूट गया तो भाई इंसान खत्म है। अरे पता नहीं यार गाड़ी भागी नहीं, बिल्कुल नहीं भागी। अभी मेरे को सोचो 5 किलोमीटर चलने में मेरे को पूरा लगभग आधा घंटा 40 मिनट लग गया यहाँ पहुँचते पहुँचते। कितनी गर्मी है, गाड़ी हीट हो जा रही है। और कल राइड पे गया था संडे राइड पे, कल पूरी हाई टेम्परेचर हो गया, रेड जल गई यार। क्लच प्लेट जल्दी किसी से आएगा, मुझे तो लग रहा है कि अब वहाँ इसका यहाँ से मुझे पता भी नहीं चल पा रहा है कि कहाँ से लूज़ करेंगे इसका क्लच। अंदर होता शायद, तो यहाँ से क्लच चला जाएगा। यहाँ से लूज चलाता हूँ मैं, उस दिन भाई ने टाइट किया यहाँ से, मेरा तो लूज बढ़िया सेटिंग है, वो टाइट किया, फिर मैं वैसे टाइट चला रहा था, टाइट ही चलाया, लूज तो लास्ट लेवल पे किया जबकि मैंने। हाँ यहाँ से टाइट किया था हल्का सा, यहाँ से एडजस्टिंग किया था मैं, लास्ट लेवल ले आया, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है। फिर बिल्कुल नहीं भाग रही गाड़ी, भाग रही मैं 20 की स्पीड में आया हूँ, और कम होते जा रहा है, और कम होते जा रहा है, 20 20 20। पहले तो मैं 50-60 चल रही थी, नीचे से कोई सेटिंग नहीं करी, ऊपर से सेटिंग करी, और ऊपर से फिर उसके बाद मैं सबको लूज करके आ गया, लेकिन बहुत टाइट लग रहा है मेरे को क्लच तब भी पता नहीं। और वो किक शिफ्टर भी काम नहीं कर रहा, नहीं लग रहा, वो किक शिफ्टर कुछ नहीं लग रहा, क्लच दब के कुछ नहीं चला, जैसे चलाता था वैसे चला, नहीं मैंने चलाई क्लच रख के, मतलब हाफ क्लच में गाड़ी चलाई जाता, नहीं हाफ क्लच में गाड़ी कहाँ चलाई, नॉर्मल जैसे चलती चलाई, हाफ क्लच वो तो इतना मुझे कॉमन सेंस है, मैं इतना हाल बाइक चला रहा हूँ मुझे पता है, हाफ क्लच में जितना रेट मारेंगे उतनी क्लच घिसती है मुझे पता है, कभी लेट घिसती है। लेकिन ये बोल रहा हूँ कि जब परसों सर्विस के टाइम पे आई थी, आपने चलाया, मैंने चलाया, भाई ने चलाया, उसके बाद कितनी किलोमीटर चली, 200 किलोमीटर चली, इतनी जल्दी क्लच पड़ी घिसी, ये बोल रहा हूँ, नहीं तो हल्का सा। हाँ ये हाफ क्लच हाफ क्लच में चल रही है ना, ये तो हाफ की सिस्टम है हाफ क्लच में, और नीचे से कोई सेटिंग छेड़छाड़ की ही नहीं किसी ने, नीचे से मैंने ना करी, ना मैंने भी नहीं करी, तुमने भी नहीं करी, तुमने बस यहाँ से टाइट करा था, लेकिन ये इसको लूज हो रहा था ना, तुमने यहाँ से टाइट करा था, ठीक है, और मैंने इसको पूरा लूज कर दिया दोबारा, ठीक है, लेकिन तब भी ये पूरा टाइट है, और हाथ में गाड़ी चल रही है, बिल्कुल नहीं भाग रही गाड़ी। क्या हाल है बालाजी, मेरी बात तो सुनो, कैसे सर्विस में आई गाड़ी, ठीक है, 9282 किलोमीटर पे, 9283 किलोमीटर चल रही है, दिख रही है 200 किलोमीटर चली है गाड़ी, ठीक है, उसके बाद भाई ने क्लच यहाँ से टाइट किया था और उसी में मैंने चलाया और वो पूरा लूज कर दिया है, लेकिन क्लच अभी भी टाइट है और हाफ क्लच में गाड़ी चल रही है, शायद मुझे क्लट प्लेट पूरी घिस गई है बाद में। मैं 20 की स्पीड में आया, मुझे 1 घंटा लग गया छिटकुल से आने में, मैं सोचा था पैदल ना हो जाऊँ, बड़ी मुश्किल से आया हूँ, नीचे से कुछ सेटिंग वेटिंग, नीचे से कुछ सेटिंग नहीं। तो गाइस हमने बात करी अभी सर्विस सुपरवाइजर से और वो बता रहे हैं कि जो क्लच प्लेट है वो वारंटी के अंदर में नहीं लगता है, उसके लिए हमें पेड करना पड़ेगा और लमसम खाली क्लच प्लेट का रेट 700 रुपया है और बाकी प्रेशर प्लेट वगैरह के अलग होंगे, वो चेक करके बताएंगे अभी मैकेनिक इसको खोलेंगे। और सच में क्लच प्लेट घिस गई है और 9000 किलोमीटर पे जस्ट हमारी क्लच प्लेट घिस गई, जो कि बहुत बड़ी दुख की बात है हमारे लिए। प्रसाद जी क्लच प्लेट के अलावा और कुछ भी लगता है क्या, जरूरी नहीं है ना वो, अच्छा ठीक है, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सही बोल रहे हो, मतलब घिस गया है, ऐसा तो नहीं कि हाफ हाफ क्लच में चल रही है गाड़ी, हाफ क्लच में ये घिसा, तो अभी भी तो इतना क्लच ऑटोमेटिकली टाइट क्यों इतना ज्यादा, जब प्लेट घिस जाती है तो ऑटोमेटिक टाइट हो जाता है, और शिफ्ट शिफ्टर भी काम नहीं करेगा तभी, अच्छा वो क्विक शिफ्टर भी एक बार चेक कर लेना वैसे ना। हाँ तो गाइस देखिए क्लच कितनी टाइट है और यहाँ से भी हमने पूरा इसका लेबल पूरा लास्ट ला दिया है, एकदम लूज़ कर दिया, और ये भी हमने देखिए 1 पे लिखा है एकदम लूज़ है, फिर भी इतना टाइट है, तो वो क्लच प्लेट घिसने के कारण ही होता है, और बाकी देखते हैं क्या क्या नुकसान हो गया हमारा। तो देख रहे हो गाइस क्लच प्लेट चेंज करने के लिए पूरा राइट वाला पोर्शन खुलेगा और हमारा इंजन ऑयल भी निकलेगा, जो कि बिल्कुल साफ बर्तन में निकालेंगे और दोबारा उसी को रीयूज़ कर लेंगे, बिकॉज गाइस अभी 2 दिन ही हो रहे सर्विस किए हुए। एक चीज़ बताओ मेरे को, क्लच दबा करके अगर रेस देते तो उसमें तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, क्लच दबा करके रेस देने में भी, और नहीं हाफ क्लच में तो घों घों कर रहे तो तब तो ज़्यादा ख़राब होता है। हाँ वो भी गलत है, क्लच टाइट भी था, टाइट क्लच में चली है गाड़ी, टाइट क्लच में चढ़ने के कारण भी चली, और गाड़ी तो हम तो चला रहे थे राइड पे चलाएंगे हम फास्ट, तो टाइट क्लच में गाड़ी चली है, उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हो गया है। हाँ
तो सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा रफ राइड करोगे, जितना वो करोगे, उतनी जल्दी क्लच जाएगी। पता नहीं यमा में भी इतनी जल्दी दिक्कत आने लग गई, जबकि यमा की ड्यूरेबिलिटी कितनी अच्छी होती है। तो गाइस देख रहे हो, बड़ी जल्दी हमारी इंजन खुल गया। और इंजन नहीं खुला है, मतलब ये क्या खुला है? फिर क्लच कवर खुला है आपका? ये खुलते रहते। अच्छा, क्लच कवर खुला है, इससे कोई सुनी है? नो नो, ये तो खुलते रहते। अच्छा, और मेरे पास ही गोड़ी ला। तो ये जब इसको बंद करोगे तो दोबारा पैकिंग डालोगे क्या इसका? सब कुछ सही है, पैकिंग सही है। सही है पैकिंग, मतलब लीक नहीं करेगा ना? ना ना, खराब होता है। कभी कभी पैकिंग खराब हो जाते हैं जब निकालते हैं तो। अभी ये ना पहले कच्चे के आते थे। अच्छा, अभी मेटल का है। अब ये मेटल का है, बिल्कुल लीक नहीं करता। ये देख रहे हो गाइस इसका ढांचा, इसमें क्लच प्लेट कौन सा है? अच्छा, उसके अंदर है क्लच प्लेट। क्या हो गया? अभी भी गर्म है ना वो, चली भी तो है गाड़ी यार। गर्म हो रहा है उस्ताद जी काफी? अरे और गर्म हीट हो के आ रहे थे यार, 100 डिग्री चल रही थी क्या? इसमें कैसे पता चलता है कि खत्म हो गई? जल गई, राख हो गई, कलर दे रहा है। बाकी चीज देखो, बाकी सब सही है ना? मतलब ज्यादा दूसरा नुकसान नहीं किया ना कुछ उसने? वैसे कंपनी के हिसाब से देखा जाए, हाँ, इसे प्रेशर प्लेट बोलते हैं, हाँ, और इसे क्लच प्लेट बोलते हैं। अच्छा, ये अलग होगा, ये तो ये सब चीजें ही, ये सब चेप सब चेंज होंगे ना? जल गई, जल गई, मतलब जल गई जैसे, मतलब क्या हो, काला हो गया बोल के जल गई क्या? कि घिस गए? जल गई, कलच दबा के रेज नहीं होता। कल तो ओवर हीट हो गया था, हाई टेम्परेचर आ गया, उसमें रेड जल गया था, HT आ गया था कूलेंट के जगह में। HT कलच दबा के मैंने रेज ही नहीं दिया, मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ नॉर्मल। इसका इसका कलर देखो, इसका कलर देखो, कुछ तो है भाई। तो यार इसमें तो इंजन ऑयल भी, तो इंजन ऑयल भी तो लगा है आपको? अरे ना, ये हीटिंग से लैग हो गई, बिल्कुल लैग हो गई, ग्रीन है वो, ग्रीन है। तो गाइस देख रहे हो, पूरी क्लच प्लेट बेकार हो गई है और जल गई है, पूरा ब्लैक हो गया। और इसका ओरिजिनल ऐसा कलर होता है। ये यूज किया हुआ है कि बिना यूज किया हुआ है? ये भी यूज किया हुआ है। इसकी जो कंडीशन है, इसकी क्या कंडीशन है, इसकी थोड़ी जो कंडीशन है इसकी, बिल्कुल जैसे बोलते हैं जीरो हो गई। ये जीरो हो गई है, उसमें मतलब गाड़ी चल भी जाएगी थर्ड भी? हाँ, हल्की चल जाती है, मगर ये भी भागेगी नहीं, मतलब। हाँ, अच्छा, ये तो फाइनली गाइस ये आ गई हमारी न्यू क्लच प्लेट, और इसकी कंडीशन बहुत ही ओके है। और इसकी कंडीशन देखिए आप, कितनी गंदी कंडीशन हो गई इसकी। लगा है हमारा क्लच प्लेट चेंज हो गया, हमने नया क्लच प्लेट लगा दिया। ये तो बड़ा वो हो गया, बड़ा लूज हो गया, देखो लेवल अपने आप। तो उसी के चक्कर से टाइट हो रखा था वो? हाँ, गैप कम हो गया, हार्ड हो गया। अच्छा, मतलब वो घिस गया था तो गैप कम हो गया था तो वो हार्ड हो गया था। अच्छा, तो मतलब कि वो घिस गया था, अगर हम वहाँ से भी लूज करते तो तब भी गाड़ी नहीं चलती? लूज कर, जितना लूज करते तब भी गाड़ी भागती नहीं? अच्छा, नहीं थोड़ा करना, यहाँ से कर देना, थोड़ा बहुत सेटिंग कर लेना, ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा लूज़ है। ठीक है, यहाँ टाइट कर देना ताकि लूज़ ना हो दोबारा। तो गाइस देख रहे हो आप कि हमने क्लच प्लेट लगाया और ऑटोमेटिकली वो लूज़ हो गया था, जबकि इतना टाइट था शुरुआत में, क्योंकि वो क्लच प्लेट घिसने के कारण इतना ज़्यादा टाइट हो गया था क्लच, कि बड़ी अजीब सी लग रही थी बाइक हमारी। तो फाइनली हमने क्लच प्लेट लगा दिया है, अब इसको पैक करेंगे, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको फाइनली एग्जैक्ट अमाउंट कितना लगा हमारे क्लच प्लेट लगाने का। तो फाइनली गाइस हमारी गाड़ी पूरी हो गई है, सारा पार्ट्स फिट कर दिया, बस इसको अभी रैंप से निकालेंगे और हल्का फुल्का
वॉश करेंगे प्रेशर वॉश, क्योंकि गाड़ी गंदी बहुत हो गई है, नीचे भी ऑयल वगैरह लग गया आराम से। तो फाइनली गाइस जो खर्चा आया हमारा पूरा क्लच प्लेट सेट चेंज करने का वो 776 आया, जो कि V4 और N के सेम है। और बाकी चैनल में बने रहिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। कैसे रही, ओके चल रही है? अब मैं अब डायरेक्ट जाऊंगा तब चला के देखूंगा, आपकी तरफ से ओके है ना? बस ठीक है, वहीं खड़े कर दो, हेलमेट ले आता हूँ। तो फाइनली गाइस हमारी गाड़ी ओके हो गई है और मैकेनिक ने भी चेक कर लिया है और उसकी तरफ से कोई शिकायत नहीं है, बढ़िया चल रही है। अब यार नए क्लच प्लेट लग गए तो बढ़िया चली गई, और क्लच भी हमने लूज ही रखा यार, बिकॉज लूज़ में ही ज़्यादा चलाना चाहिए और ज़रा टाइट में चलाएंगे तो यार वो बेकार है। तो गाइस एक बार चेक करते हैं और देखते हैं कि न्यू क्लच प्लेट लगाने के बाद में गाड़ी कैसे चल रही है। तो फाइनली गाइस आपने देखा कि अब गाड़ी पूरी नॉर्मल चल रही है और जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया है गाइस। हमारा क्लच प्लेट का इशू था, वो घिस गई थी, और किस कारण घिसी थी गाइस, वो हाफ क्लच में चली या फिर बहुत टाइट क्लच में चली है। अभी क्लच बहुत लूज़ कर दिया है तो गाड़ी पूरी ओके चल रही है, और क्लच लूज़ में चलाना ज़्यादा बेस्ट है और टाइट में चलाना ज़्यादा नुकसान होती है गाइस, इससे क्लच भी जल्दी घिस जाते हैं। तो मेरी क्लच की कंडीशन क्या हो गई थी, पूरी जल गई थी, जिसकी वजह से ना कुछ स्पीड नहीं पकड़ रही थी, और 20 की स्पीड में लेके आया हूँ मैं। तो फाइनली अब सारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है और बस अब चलते हैं घर की तरफ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और प्लीज़ चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे और सारी काम की वीडियोज़ आप लोग के पास पहुँचे गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।